हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 8 चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। सो इस चैप्टर में हम 1870s से लेकर 1947 में नेशनल मूवमेंट की मेकिंग को समझेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर्स, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया टेरिटरीज को, उनको जीता, टेक ओवर किया किंगडम्स को, इंट्रोड्यूस किए नए लॉज, कानून और कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, चेंजेस आए पीजेंट्स और ट्राइबल्स, किसानों और आदिवासियों की लाइफ में, एजुकेशन में कुछ चेंजेस हुए 19th सेंचुरी में, डिबेट्स हुई रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ वुमेन को लेकर, चैलेंज किया गया कास्ट सिस्टम को, कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये हमने देखा प्रीवियस चैप्टर्स में, कैसे क्राफ्ट्स डिक्लाइन हुए और इंडस्ट्रीज ग्रो हुई। अभी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इश्यूज, इन इश्यूज के बारे में जो हमने पढ़ा है, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल, क्या आपको लगता है कि इंडियंस ब्रिटिश रूल से खुश नहीं थे, और अगर ऐसा है तो कैसे डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस डिससैटिस्फाइड थी। इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अभी हम देखेंगे कि लोगों में कैसे नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। द अबव मेंशन डेवलपमेंट्स, ऊपर जो डेवलपमेंट्स हमने देखे, एजुकेशन में कुछ चेंजेस किए गए, नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, क्राफ्ट डिक्लाइन हो रहा था, 1857 का रिवोल्ट हुआ, दिस लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन। तो अभी लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने लगे, वॉट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया, कि भारत देश है क्या, एंड फॉर हुम इट इज मेंट, और ये किन के लिए है। और इस क्वेश्चन का ऑब्वियस आंसर था इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, भारत जो देश है वो भारत के लोगों से मिलकर बनता है, और सभी लोग चाहे वो किसी भी क्लास के हो, कलर के हो, कास्ट के हो, क्रीड के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, किसी भी जेंडर के हो, एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, और हमारा देश, इसके रिसोर्सेज, इसका सिस्टम इन सभी लोगों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है। इसी आंसर के साथ लोगों में अवेयरनेस आई, लोग अवेयर हुए दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिशर्स ये बाहर से आकर इंडिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड द लाइफ ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के देश के लोगों की लाइफ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड, जब तक ये कंट्रोल खत्म नहीं होगा, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, भारत देश भारतीयों के लिए नहीं हो सकता। दिस कॉन्शियसनेस बिगैन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाई द पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड आफ्टर 1850 के बाद में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनेंगी, कुछ संगठन बनेंगे, उनमें इस कॉन्शियसनेस को क्लियरली देखा जा सकता है, स्पेशली जो कि 1870s और 1880s में आएंगी। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाई इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स, इनमें से जो ज़्यादातर एसोसिएशंस थी उनको लीड कर रहे थे इंग्लिश से पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, जैसे कि लॉयर्स। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर, अभी कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के नाम आपको दिए हैं, पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफकोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। नोट द नेम, अभी नाम देखें कैसे रखा गया है, पूना सार्वजनिक सभा, तो सार्वजनिक का लिटरल मीनिंग क्या है, सभी लोगों के लिए, फॉर ऑल ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, सर्व मतलब ऑल एंड जनिक मतलब ऑफ द पीपल। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशंस फंक्शन इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, इनमें से ज़्यादातर एसोसिएशंस देश के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में ही एक्टिव थी, वहीं पर फंक्शन कर रही थी, लेकिन इनका जो गोल था वो वही था जो भारत देश के लोगों का था, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड ये काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश के लिए काम कर रहे थे, ना कि किसी रिलीजन, कम्युनिटी या क्लास के लिए। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरन, इनका आइडिया था कि लोग सॉवरन हो। सॉवरन का क्या मतलब है, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो बिना किसी के कंट्रोल के इंडिपेंडेंट होकर एक्ट कर सके, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहर से कोई उनके किसी काम में इंटरफेयर ना करे। सॉवरेनिटी जो कि एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस है और एक की फीचर भी है नेशनलिज्म का, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उनका ये विश्वास था कि इंडियंस को शुड बी एम्पावर, अभी इतनी पावर देनी चाहिए कि वो उनके डिसीजंस, उनके जो अफेयर्स से रिगार्डिंग डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें। द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसीफाइड इन द 1870s एंड 1880s, लोग ब्रिटिश रूल से डिससैटिस्फाई तो थे ही, ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया और गहरा हो गया
1870s और 1880s में। तो इसके क्या कारण थे? सबसे पहले तो आर्म्स एक्ट को पास किया गया 1878 में। आर्म्स एक्ट में इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो अभी आर्म्स को पोजेस नहीं कर सकते थे, मतलब कि इस एक्ट में कहा गया कि इंडियंस अब से अपने पास हथियार नहीं रख सकते। इन द सेम ईयर उसी साल में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनैक्ट किया गया इन द एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। उन सभी लोगों को शांत करने के लिए जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके खिलाफ कुछ बोल रहे थे। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द असेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वॉज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये पावर दी कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर कुछ ऐसा छापता है जो सरकार को ऑब्जेक्शनेबल लगता है, तो वो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को, उसकी सभी असेट्स को अपने कंट्रोल में ले सकती है। उसके 5 साल के बाद 1878 के बाद 1883 में देयर वॉज अ फ्यूरी ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एल्बर्ट बिल। लोग बहुत फ्यूरियस थे, बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल तो सही था, द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस। पहले क्या था कि इंडियंस को ट्राई कर सकते हैं ब्रिटिश जजेस या फिर इंडियन जजेस, उनका ट्रायल, इंडियंस का ट्रायल किसी भी कोर्ट में हो सकता है, लेकिन ब्रिटिशर्स को और यूरोपियंस को ट्राई करेंगे सिर्फ ब्रिटिश जजेस। तो एल्बर्ट बिल आया, उसने अलाउ किया कि अभी इंडियन जजेस भी ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस और ब्रिटिश को, ब्रिटिशर्स को, एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। तो इसने कहा कि इससे हम इक्वल बना रहे हैं ब्रिटिश जजेस को और इंडियन जजेस को। बट वेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, लेकिन उसके बाद वाइट्स ने, गोरे लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इसको अपोज किया, तो ये बिल सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो इंडियंस वन एनरेज्ड, इंडियंस को इस पर बहुत गुस्सा आया कि इंडिया, इंडियंस को अगर दोनों के कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है, तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को क्यों नहीं। दिस द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड। तो इससे जो ब्रिटिशर्स का एक रेशियल एटीट्यूड था, इंडियंस को वो अलग समझते थे, वो अभी सामने आ गया था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। 1880 से ही सभी जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको लगता था कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, बट द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी डीपन्ड दिस डिज़ायर। लेकिन जब एल्बर्ट बिल की कॉन्ट्रोवर्सी हुई, बिल आया और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया, तो ये जो डिज़ायर थी, ये इच्छा थी, और ज़्यादा डीप हो गई और गहरी हो गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में, दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। और सबसे पहले इसमें कितने डेलीगेट्स थे? 72। दी अर्ली लीडरशिप, स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे इसके, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स, और भी थे, वर लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकटा। इनमें से ज़्यादातर लोग मुंबई और कलकत्ता से थे। नारोजी एक बिजनेसमैन और एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट मतलब समवन हु पब्लिसाइज एन आइडिया, जो किसी आइडिया को पब्लिसाइज करता है, पब्लिक को बताता है, इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करके, रिपोर्ट्स को लिखकर या फिर मीटिंग्स में बोलकर। सेटल्ड इन लंदन, उसके बाद जो नारोजी थे, दादा भाई नारोजी, वो लंदन में सेटल हो गए। एंड फॉर द टाइम, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, इन्होंने वहाँ पर लंदन में जो नेशनलिस्ट थे, यंगर, कम एज के थे, उनको गाइड किया। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल भी कभी इसमें नाम इम्पॉर्टेंट है, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स टुगेदर, कि अलग अलग रीजन से लोग साथ में आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट हो, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा स्प्रेड हो। नाउ हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, कांग्रेस किसके लिए बोल रही थी? एक न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर, उसने जनवरी 1886 में लिखा, द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री, जो कि बिल्कुल सही भी है, बाद में यही जाकर इंडिया की जो पहली पार्लियामेंट थी वो बनाएगी। तो उसमें लिखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉम्बे में बनी है, ये न्यूक्लियस है फ्यूचर पार्लियामेंट का, एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इन
इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड फॉर आर कंट्रीमैन, और हमारे देश के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी, बहुत फायदेमंद होगी, इस तरीके से कि इनकंसीवेबल मतलब अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते, अनबिलीवेबल तरीके से। बद्रुद्दीन तैयब जी ने एड्रेस किया कांग्रेस को एज अ प्रेसिडेंट इन 1887 10। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो किसी क्लास के नहीं थे कि हिंदू ही है, मुस्लिम्स ही हैं, ना किसी कम्युनिटी के थे, बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ से थे इंडिया की। ये पिक्चर आपको गिवन है दादा भाई नौरोजी की। नौरोजी की एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और अन जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ऑफर्ड अ स्केदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट रहा है, एक बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा है इंडिया पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेशन इन द मेकिंग। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वॉज मॉडरेट। ऐसा कहा जाता है कि पहले 20 साल तक, 1885 में हमने देखा ये बनी, तो 1905 तक बंगाल के डिवीजन से पहले जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट थी इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड में 3P का फॉर्मूला था इनका, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। इसी से ये अपनी मांगे पूरा करवाती थी ब्रिटिशर्स से। इस पीरियड में इन्होंने डिमांड की ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जगह दी जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन में ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इन काउंसिल्स के पास ज़्यादा पावर हो, और जिन प्रोविंसेस में ये नहीं है, अभी एग्जिस्टेड नहीं है, वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ओपन किया जाए। इन्होंने डिमांड की दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशंस इन द गवर्नमेंट, सरकार में इंडियंस को हाई पोजिशन मिले। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसको इंडिया में भी कंडक्ट कराया जाए, ना कि सिर्फ लंदन में। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपलाइज बाई वाइट ऑफिशियल्स। उस टाइम पर जो हाई पोस्ट थी उनको उसमें मोनोपली थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की ही हाई पोस्ट उन्हीं के लिए ही थी, तो इन्होंने इस रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए पहले मूवमेंट चलाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरू में ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस को कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब वो नहीं दे सकते, सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम। इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। तो क्योंकि मोस्टली जो हाई पोस्ट हैं उन पर ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो सैलरी कमाते हैं वो अपने देश में भेज देते हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, तो इस होप में भी इंडियनाइजेशन ज़रूरी है, हाई पोस्ट पर इंडियंस का होना ज़रूरी है, जिससे कि जो वेल्थ है वो यहीं पर रहे, वो हाई पोस्ट पर होंगे तो जो पैसा है वो भारत में ही रहेगा। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही थे, वही लोग लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई अगर कंप्लेन है किसी की तो उनके पास ही आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या? जुडिशरी का तो मेन काम ही यही है कि एग्जीक्यूटिव्स को चेक करना उन्होंने ढंग से काम किया है नहीं। तो उन्होंने कहा कि सेपरेट करिए, जुडिशरी अलग बनाइए, एग्जीक्यूटिव अलग हो। द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट की इंडियंस कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकते, इसको रिपील करिए। रिपील करना मतलब किसी लॉ को कैंसिल आउट करना, खत्म करना। टू अंडो, अंडू लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ। लॉ की जैसे किसी चीज़ की वैलिडिटी को ख़त्म करना, उसे हम बोलते हैं रिपील। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडियंस को स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी जाए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस थी वो स्टार्टिंग में वर्क कर रही थी इंडियनाइजेशन के लिए, हाई पोस्ट पर इंडियंस हो, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो, उनमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, और जो कुछ लॉज हैं जो हमारे फेवर में नहीं है उनको रिपील किया जाए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। शुरू में कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज को भी रेज किया। उसने डिक्लेयर किया दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइंस। जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, अकाल पड़ने लगे हैं, लैंड रेवेन्यू उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, हैड इम्पोवेरिश्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स। इम्पोवेरिश होना मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाना, तो यहाँ के जो किसान हैं, जमींदार्स हैं, वो गरीब हो गए हैं, ग्रेन्स को, अनाज को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोप में, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई है, खाने की कमी हो गई है। कांग्रेस ने डिमांड किया रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू टैक्स कम लिया जाए लोगों से, मिलिट्री एक्सपेंडिचर खर्च में कमी हो, ज़्यादा फंड्स दिए जाए लोगों को इरिगेशन के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए,
बहुत सारे रेजोल्यूशंस उसने पास किए ऑन द सॉल्ट टैक्स, नमक पर जो कानून लगता था उसके लिए, किस तरीके से इंडियन लेबरर्स को अब्रॉड में, यहाँ से जो मजदूर बाहर देशों में लेकर गए हैं ब्रिटिशर्स, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो लोग जंगलों में रहते हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं, कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है उनकी लाइफ में. ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बींग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलिट्स द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रिस्ट. तो ये सभी चीज़ें बताती है कि जो कांग्रेस में लोग थे वो ज़्यादातर एजुकेटेड एलिट्स थे, पढ़े लिखे थे, अच्छी फैमिली से थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जमींदार से इंडस्ट्रिस्ट के बारे में. कॉमन जो लोग थे, चाहे वो लेबरर्स हो, मजदूर हो, काम करने वाले हो, पीजेंट्स हो, वो सभी की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रख रहे थे. द मॉडरेट लीडर्स वॉन्टेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. मॉडरेट्स क्या चाहते थे? कि लोग अवेयर हो, उनको पता लगे ब्रिटिश रूल के अनजस्ट नेचर के बारे में, जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में. तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे, शो किया ब्रिटिशर्स को हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री. कैसे ब्रिटिश रूल हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको रुइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है. दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, अपने स्पीचेस में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया. रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, देश के अलग अलग हिस्सों में, दूसरे देशों में, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए. तो जो मॉडरेट्स थे उनको लगता था, दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, कि ब्रिटिशर्स में फ्रीडम आज़ादी के प्रति और जस्टिस न्याय के प्रति वो आइडियल है, ये आइडिया मतलब है उनमें. एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, तो हमारी डिमांड्स तो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल सही है, उसको वो मान लेंगे. वॉट वॉज नेसेसरी, ज़रूरी सिर्फ ये है, वॉज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स, कि हमें इन डिमांड्स को सिर्फ एक्सप्रेस करना है, उनको बताना है, एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, और गवर्नमेंट को अवेयर करना है कि इंडियंस कैसा फील कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के अंडर, तो वो हमें खुद ही फ्रीडम दे देंगे. ये सोच थी मॉडरेट्स की. फ्रीडम इज आर बर्थ राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीडम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. बाय द 1890s तक बहुत सारे इंडियंस ने क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिया, सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो पॉलिटिकल स्टाइल था कांग्रेस का उस टाइम पर. उस पर इन बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में लीडर्स जैसे कि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, इन्होंने कुछ नए रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया. इन्होंने कहा कि ये जो हम पिटीशन देते हैं, प्रेयर करते हैं, उनसे उनको अवेयर करा रहे हैं, इससे काम नहीं होगा, दूसरे मेथड्स अभी हमें अपनाने होंगे. दे क्रिटिसाइज्ड द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स. उन्होंने क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को कि वो प्रेयर की पॉलिटिक्स हैं, प्रे कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं चीज़ें. एंड एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, और कहा कि अभी इसको छोड़ के हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, ब्रिटिशर्स पर रिलाई होने की बजाय सेल्फ रिलायंस अभी ज़्यादा ज़रूरी है. दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, लोगों को खुद की स्ट्रेंथ पर अभी रिलाई हो, उस पर ज़्यादा वो भरोसा करें, ना कि गुड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो अच्छी नीयत है कि कभी न कभी वो हमें फ्रीडम दे ही देंगे, उसकी बजाय खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखिए. एंड पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लोगों को अभी फाइट करना होगा. तिलक ने स्लोगन भी रेज किया है, इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शाल हैव इट. फ्रीडम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे तो मैं लेकर ही रहूँगा. अभी 1905 में वॉयसराय कर्जन ने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर. 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, जो उस टाइम पर वॉयसराय थे. एट दैट टाइम बंगाल वॉज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम पर बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, और उसमें बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा भी था. द ब्रिटिश आर्ग्यूड दैट डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी, इसके लिए बंगाल को डिवाइड किया है. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है, किसकी कन्वीनियंस है ये, को ये रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन, इसमें ऑफिशियल्स का, ब्रिटिशर्स का और बिजनेसमैन का ही फायदा था. इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस, उस टाइम पर बंगाल में बंगाल बोलने वाले, बिहारी, उड़ीसा, उड़िया बोलने वाले लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा भी करते, चलिए कि लैंग्वेज के बेसिस पर आपने किया, बिहारी बोलने वालों को अलग कर दिया, उड़ीसा को अलग और बंगाली बोलने वालों को एक साथ रखा,
तो भी वो समझ में आता। गवर्नमेंट ने सिंपली ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में सेपरेट कर दिया, और ईस्ट जो बंगाल था उसको मर्ज कर दिया आसाम के साथ। मतलब अभी ईस्ट बंगाल बंगाली बोलने वाले और असमीज बोलने वाले लोगों का एक प्रोविंस हो गया, तो इसका कोई सेंस ही नहीं था। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव, और ऐसा करने का उनका मेन मोटिव क्या था, वर टू करटेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस। बंगाल में पॉलिटिशियंस बहुत एक्टिव थे, मोस्टली हमने देखा बिहार सॉरी कैलकटा और बॉम्बे में से ज़्यादा लोग, वहाँ के एलिट लोगों ने मिलकर कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था। तो उनका मेन मोटिव था कर्टेल करना, मतलब इन्फ्लुएंस को कम करना, रिड्यूस करना, तो उनका बंगाली पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस कम हो एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, और बंगाली लोग अलग हो जाए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। भारत के सभी लोगों में इससे बहुत गुस्सा था। बंगाल के पार्टीशन के बाद सभी सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस में दो सेक्शंस थे उस टाइम पर, मॉडरेट्स जो पेटिशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू अपना काम करवाते थे, दूसरे थे रेडिकल्स। सो एज दे बेबी कॉल्ड, जिस भी नाम से उनको जाना जाता था, इस टाइम पर सभी लोग साथ में आ गए और इसको अपोज किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉवल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप। नए नए मेथड्स आए, सभी लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। यही मूवमेंट बाद में चल के बनेगा स्वदेशी मूवमेंट, जो बंगाल में बहुत स्ट्रांग था और विच इकोज समवेयर, इकोज एल्सवेयर टू, और बाकी जगह भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती थी। दूसरी जगह भी एक्टिव था ये, जैसे कि डेल्टा एक आंध्रा में फॉर इंस्टेंस, इसको जाना जाता था वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से। अलग अलग नाम थे, हर जगह लोग मूवमेंट कर रहे थे। ये एक पिक्चर गिवन है आपको, ये है बाल गंगाधर तिलक। नोटिस करिए नेम ऑफ न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल। देखिए टेबल पर ही न्यूज़पेपर रखा है और इसमें ये लिखा है केसरी, केसरी। तो केसरी न्यूज़पेपर एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसको एडिटेड बाय तिलक, वो एडिट करते थे, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक था ब्रिटिश रूल का। एक और पिक्चर गिवन है, बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर्स हैं ये सभी। ये देखिए, थाउजेंड्स ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में कैसे हजारों लोग एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल। स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहा था और इनकरेज कर रहा था आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को। स्वदेशी एंटरप्राइज हो, नेशनल एजुकेशन हो, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए, मतलब ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है। टू फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए फाइट करने के लिए रेडिकल्स ने एडवोकेट किया मास मोबिलाइजेशन हो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को हम बॉयकॉट करें, उनकी गुड्स को ना खरीदें, उनके सामान को ना खरीदें। कुछ इंडिविजुअल्स ने सजेस्ट किया दैट रिवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, कि अभी रिवोल्यूशनरी वायलेंस हमें करनी होगी, थोड़ा वायलेंट होना होगा ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए। ये मीनिंग गिवन है, रिवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ वायलेंस, वायलेंस का यूज़ करके कोई रेडिकल चेंज लेकर आना, बड़ा चेंज लेकर आना सोसाइटी में। काउंसिल एक और वर्ड है, आ गया। काउंसिल मतलब एक अपॉइंटेड या फिर इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी, जिसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस हो। ये पिक्चर है लाला लाजपत राय की, ये एक नेशनलिस्ट थे पंजाब से और ये लीडिंग मेंबर थे रेडिकल ग्रुप के, विच वॉज जो कि क्रिटिकल था पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस की। पिटिशन लिख लिख के आप किसी देश को, भारत को आज़ाद नहीं करा सकते। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर थे ये आर्य समाज के भी। नाउ द ओपनिंग डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआती डेकेड्स यानी कि 1900 से लेकर 1910 जो फर्स्ट डेकेड था, वह मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। इसमें और भी चीज़ें हो रही थी, बंगाल का डिवीजन हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और क्या था, अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम लैंडलॉर्ड जमींदारों का और नवाब्स के ग्रुप ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया दक्का में 1906 में। अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर एंड इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दक्का में बनी थी 1906 में। इस लीग ने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इन्होंने कहा कि बंगाल का पार्टीशन बिल्कुल सही हुआ है, और ये चाहते थे कि सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम्स के लिए, मतलब कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे और मुस्लिम लीडर को ही वो चूज़ करे, वही सिर्फ वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हो, वही वोट दे सकते हो। अ डिमांड कंसीडेड बाय गवर्नमेंट इन 1909 में गवर्नमेंट ने इसको कंसीड कर लिया, इस डिमांड को मान लिया और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। कुछ सीट्स काउंसिल में रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए,
जिनको मुस्लिम वोटर्स ही सिर्फ इलेक्ट कर सकते थे। दिस टेम्प्टेड, तो अभी पॉलिटिशियंस को ये लालच आने लगा, उन्होंने गैदर करना शुरू किया, फेवर्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए अपने रिलीजियस ग्रुप्स में। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम के प्रति फेवर करता था क्योंकि उसको पता है पॉलिटिशियन को यही उसको फाइनल वोट देगा। इसी बीच में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ 1907 में। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। मॉडरेट्स जो थे वो बॉयकॉट को अपोज करते थे, बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि इसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जब कांग्रेस स्प्लिट हुई मॉडरेट्स और रेडिकल्स में, कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे, कांग्रेस में ज़्यादातर लोग मॉडरेट्स थे। और तिलक जो कि एक रेडिकल थे, फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो कांग्रेस के बाहर से फंक्शन कर रहे थे। अभी ये टू ग्रुप, दोनों ग्रुप्स रेडिकल्स और मॉडरेट्स फिर से यूनाइटेड होंगे दिसंबर 1915 में, आगे हम उसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ने साइन किया हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, ये भी बाद में है, इंपॉर्टेंट इवेंट है। और डिसाइड किया टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, काफ़ी लेंदी ये चैप्टर है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।